बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और रहम करने वाला है। इमाम अली अलैहिस्सलाम की खिदमत में एक शख्स आके पूछने लगा, या अली, ईद कुर्बान के दिन कुर्बानी करने वाले के लिए सबसे बड़ा इनाम क्या है? जैसे ही ये सवाल पूछा गया तो इमाम अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ए शख्स, याद रखना, जब ईद कुर्बान का दिन आता है तो हजरत अज़राइल अलैहिस्सलाम अल्लाह के हुक्म से जमीन पर फिरते रहते हैं, क्योंकि अल्लाह ताला का ये वादा है, जो भी इंसान उस दिन हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम और हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की याद में कुर्बानी करे, उसके घर जाकर उसको तीन खुशखबरियां देकर आओ। पहली खुशखबरी, अल्लाह ने उसकी कुर्बानी के सबब जो उसने अल्लाह ताला के इश्क में की है, आने वाले साल में उसकी दौलत और माल में बरकत अता कर लेगा। दूसरी खुशखबरी, अल्लाह ने उस साल उसके मुकद्दर से बीमारियों और परेशानियों को दूर रखा है। और तीसरी खुशखबरी के कुर्बानी करने वाले और उसके घर में रहने वाले, जिस घर में कुर्बानी की गई, उनकी सारी दुआओं को फौरन कबूल किया जाएगा। याद रखना, अल्लाह के नज़दीक कुर्बानी करना एक ऐसा अजीम सवाब है जिसका अंदाज़ा कोई भी इंसान नहीं लगा सकता, क्योंकि फरिश्ते ऐसे इंसान पर फ़ख्र करते हैं जो अल्लाह अज़्ज़ोजल की रज़ा के लिए अपने माल को अल्लाह ताला पर कुर्बान कर दे। या अल्लाह, हमें कुर्बानी करने की तौफीक अता फरमा।